हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में जिसका नाम है जीबी व्लॉग्स। दोस्तों हम फाइनली आए हैं सप्तेश्वर मंदिर। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये सप्तेश्वर मंदिर है। तो अभी हम यहाँ से अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या खासियत है इस मंदिर की। कहा जाता है कि ये मंदिर अभी पर्यटक लिस्ट में भी आने वाला है, शायद आ भी चुका होगा, इसलिए हम यहाँ पर अभी व्लॉग बनाने आए हैं। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं। और इस मंदिर की खासियत ये है कि आप जैसे ही अभी अंदर जाएंगे तो आपके पैर आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो साफ़ हो जाएंगे पानी से, क्योंकि उसके मंदिर के सामने से ही एक बहता झरना चालू होता है। तो चलो बिना देरी के चलते हैं अंदर और देखते हैं। नंदी जी दिखाई देते हैं। और यहाँ पे हमें एक मंदिर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों मंदिर के राइट साइड में आपने जो छोटा मंदिर देखा वो वैद्यनाथ प्रसन्न मंदिर है। उसके अंदर जो पिंडी है वो स्वयंभू पिंडी है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, खाली उसके बाजू में टाइल्स बिछा के उसे छोड़ के मंदिर बांधा गया है। तो हम जैसे ही मंदिर के अंदर आते हैं तो मेन गेट से अंदर आने के बाद हमें तुलसी वंदन लगा, उसके बाद एक छोटे से नंदी और अंदर जाएंगे तो एक शिव जी का पिंडी है। तो दोस्तों आप देखोगे कि इन दरवाजों पे बहुत सारी फूल जैसी डिज़ाइन बनाई गई है, नक्शीकाम किया गया है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो कोरियो काम किया गया जानवर है, ये जानवर काल्पनिक होते हैं। मतलब वो टाइम पे ऐसा होता था कि लोग अपनी कल्पना के तौर पे जानवर का मुख या फिर मूर्ति बनाया करते थे। तो वही डिज़ाइन आपको यहाँ पे हर जगह पे देखने मिलेंगी। सात जो दरवाजे देखे उसके पीछे हम ये देखने के लिए आए हैं कि ये पानी आता कहाँ से है। तो दोस्तों ये पानी जो है यहाँ से कम 7 पर्वत है जो ऊंचे ऊंचे हैं, वहाँ से हर एक झरना बहता है, हर पर्वत में से उस झरने का पानी यहाँ पे आता है। तो वो तो देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ।
जस्ट मंदिर के अंदर से दर्शन करके आए, आपने जो देखे भगवान जी उनके दर्शन किए। जैसे हम थोड़ा उनके राइट साइड आते हैं तो आपको ये कुंड दिखेगा, ठीक है, ये सेकेंड कुंड है और इसके आगे आएंगे हम तो आपको ये फर्स्ट कुंड दिखेगा। दोस्तों इस मंदिर का नाम सप्तेश्वर क्यों पड़ा ये तो आपको बहुत जानने की ख्वाहिश होगी, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर का नाम सप्तेश्वर क्यों पड़ा। आप जो मेरे पीछे ये जो सात द्वार देख रहे हो, सात दरवाजे, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, पांच बीच में है और दो साइड में, तो ये सात द्वार है जिसमें से जो सात झरने हैं उनका पानी यहाँ से आता है और वो इकट्ठा होके फिर इस मुख से आता है जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, इसलिए इस मंदिर का नाम सप्तेश्वर पड़ा। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने भी बहुत दिल की ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और देखूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अभी आया और ये अभी शूट कर रहा हूँ आपके लिए खास। तो इस वीडियो में लास्ट तक दोस्तों ये है पहला द्वार, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये सात द्वार में से सात झरनों का पानी एक साथ आता है और उस कुंड में इस कुंड में समा जाता है। सात झरने का पानी इस सात द्वार से आता है और इस गौमुख से, गौमुख के जो मुंह है उसमें से इस कुंड में समा जाता है। दुर्दैव से अभी ये गौमुख तो टूट गया है, तो देखते हैं अभी आगे का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सात झरनों का पानी कैसे एक साथ आता है। इन सात झरनों का पानी जब इस सात द्वार से आता है तो ये जो पहला कुंड आपने देखा जो गाय के मुख से पानी निकल के इस पहले कुंड में गिरता है, वो जब ओवरफ्लो होता है तो इसका पानी उस सेकेंड कुंड में जाके भर जाता है और उसका जब ओवरफ्लो होता है तो वो गांव वालों को नीचे पीने के लिए वहाँ पे पास हो जाता है। तो दोस्तों ये है यहाँ की कहानी। दोस्तों और एक बात बता दूँ कि ये सप्तेश्वर जो है ना इसे बहुत पवित्र माना गया है और इसे बहुत पवित्र से रखा भी गया है। अभी खाली फिलहाल कुछ ऐसा टाइम कुछ चल रहा है कि यहाँ पे किसी का फिलहाल ध्यान नहीं है, वरना पहले यहाँ पे बहुत लोग आते थे और इनके दर्शन दूर दूर से करते थे, अभी भी वो चल ही रहा है। दोस्तों आपने जो पहला कुंड देखा इसका पानी आज भी मंदिर की साफ़ सफाई के लिए, मंदिर धोने के लिए और शिव जी को अर्पित करने के लिए यही पानी यूज़ किया जाता है। तो चलो देखते हैं आगे का भी। तो आपको संगमेश्वर से सप्तेश्वर आना पड़ेगा, सप्तेश्वर गांव का नाम है और आप किसी को भी पूछोगे तो आपको कोई भी सजेशन दे देगा और बेस्ट रूट बता देगा। दोस्तों यहां आने के बाद है ना दिल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आपने देखा यहां का नेचर का क्लाइमेट पूरा हरा हरा एकदम शांत, और हम लोग तो कम से कम यहां पे तीन घंटे से बैठे हुए हैं, दो से तीन घंटे से शूट करने के बाद हम लोग दो से तीन घंटे बैठे, ऐसा लगता है ना कि एकदम पीस ऑफ माइंड, एकदम कूल रिलैक्स फील होता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो प्लीज़ यहाँ पे आके ज़रूर इस मंदिर को भेंट देना।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।